हाय फ्रेंड्स, एक कहावत है कि अगर किसी का पैर चलना बंद हो जाए तो उसका दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। एक बार अगर हमारा एक हाथ कम काम करे या इसकी पावर कम हो जाए या ये काम करना बंद कर दे तो हम अपने दूसरे हाथ से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर पैरों की पावर कम हो जाए या ये पैर काम करना बंद कर दे तो हमको एक गिलास पानी के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ सकता है और ये बड़ा ही कष्टदायक होता है। खराब लाइफस्टाइल, गलत खानपान और मसल्स के ओवर यूज की वजह से आजकल पैरों की कमजोरी, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कूल्हों में दर्द और कमर में दर्द एक आम समस्या हो गई है। लेकिन हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि यह दर्द ऐसा ही है, कुछ दिनों के बाद यह दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हम दर्द का कोई तेल लगा लेते हैं, कोई जेल लगा लेते हैं, वक्ती तौर पर तो हमको आराम मिल जाता है, लेकिन ये इसका परमानेंटली सोल्यूशन नहीं है। कई लोग जब भी बैठ करके, जमीन पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के उठते हैं तो वो इस तरीके से ऐसे उठते हैं, उनकी कमर थोड़ी सी टेढ़ी रहती है और उनका हाथ जो है वो कमर पे रहता है। 1 से 2 मिनट लग जाता है उनकी कमर को सीधा होने में। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घुटने में दिक्कत होती है, वो घुटने को इस तरह से ऐसे पकड़ करके ऐसे उठते हैं और उनका पैर जो होता है वो जमीन के ऊपर जम जाता है। 1 से 2 कदम चलने में उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और उनको 1 से 2 मिनट लगता है। या कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका पैर जब भी वो चलते हैं तो उनका पैर ऐसे बार बार ऐसे ऐसे लचक जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी ठोकर लग जाती है तो वो संभल नहीं पाते, बैलेंस उनका बन नहीं पाता, वो लड़खड़ा करके गिर जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे कमर, कूल्हे और पैरों की मांसपेशियां जब कमज़ोर हो जाती हैं तो ये सब दिक्कतें आने लगती हैं। इसकी वजह से आपको L4, L5, L5S1 में डिस्क बल्ज हो जाता है, सियाटिका हो जाता है, आपके कूल्हे में अर्थराइटिस या गठिया हो जाती है, आपके घुटनों में अर्थराइटिस हो सकती है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और पैरों की कमजोरी की वजह से आप चल नहीं पाते हैं और लड़खड़ा करके, आप लंगड़ा करके गिर जाते हैं या बहुत सारे लोग आगे झुक करके भी चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिसको अगर आप रेगुलरली करते हैं, नियमित तौर पर करते हैं, दवाई समझ के आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके कमर, कूल्हे और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपके जो सियाटिका हो रहा है या डिस्क बल्ज की दिक्कत है या घुटने में अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है तो उसका दर्द भी कम होगा, सूजन भी कम होगी और आपकी मांसपेशियों में नई जान आएगी, आपका बैलेंस बेहतर होगा, चाल आपकी बेहतर होगी और चलने में आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवेदिक क्लिनिक लखनऊ से। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने क्या करेंगे, एक टॉवल का एक रोल ले लेंगे। आप कोई तकिया ले लीजिएगा मोटी या कुशंस आते हैं आप उनको भी रख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे यहाँ अपनी एड़ी के नीचे आपको रख लेना है। और फिर आपको क्या करना है, आप इस एक्सरसाइज को बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। फिर अपनी एड़ी से आपको नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है, इस तरीके से आपको पुश करना है। अब कई लोगों को इस एक्सरसाइज को करने से घुटने में भी दर्द बढ़ सकता है, तो उन लोगों के लिए जिनको घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस रहती है या घुटने में गठिये की दिक्कत है, उनको क्या करना है, अपने घुटने के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लेना है घुटने के नीचे, ताकि घुटने में एक सपोर्ट बना रहे और घुटना जो है बिल्कुल स्टेबल रहे। तो आपको क्या करना है, इगली से आपको नीचे की तरफ दबाना है और फिर छोड़ना है, फिर दबाना है और फिर छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को आप सिर्फ 10 से 15 बार शुरुआत में करिएगा। कई लोगों का हमारे पास फोन आता है, वो ये कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारा दर्द बढ़ जाता है। तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, दवा समझ के करनी है, ना कि आपको वर्कआउट करना है। अगर आप सारे दिन का खाना एक साथ खा लेंगे या महीने भर का काम एक बार में आप कर नहीं सकते हैं, इसी तरीके से ये एक्सरसाइज है। आप इसको 10 दिन, 15 दिन, महीना भर करेंगे तो आपको जो है कुछ फर्क पता चलना शुरू होगा। तो आपको एक्सरसाइज जिस पैर में आपकी वीकनेस है उसमें भी करना है और जिस पैर में आपके वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है, उस पैर में भी आपके करना है, ताकि आपका जो है दूसरा पैर खराब ना हो। क्योंकि एक पैर जब खराब होने लगता है या इसमें वीकनेस आने लगती है तो शरीर का सारा वजन हम दूसरे पैर पे देने लगते हैं, इसकी वजह से हमारा दूसरा पैर में भी खराबी आना शुरू हो जाती है। तो आपको दोनों पैर की करनी है ताकि बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। तो आपको ये एक्सरसाइज सिर्फ शुरुआत में 10 से 15 बार ही करनी है और दिन में 2 बार आप जरूर करिए। दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें भी हम इस तरीके से ऐसे अपने पैरों के नीचे कोई मोटी तकिया रख लेंगे या कोई जो है टॉवल का रोल रख लेंगे और अपने घुटने से आपको नीचे की तरफ इस तरीके से ऐसे दबाना है।
घुटने से आपको दबाना है, 5 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है और फिर वापस रिलीज कर देना है, फिर दबाना है, फिर रिलीज कर देना है। इस एक्सरसाइज को आप 30 से 40 बार शुरुआत में आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दबाइएगा तो आपकी एड़ी उठनी नहीं चाहिए, बल्कि एड़ी जो है वो बेड के लेवल में रहनी चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि अपने एड़ी को आपको ऊपर उठाना है और फिर पंजे को अपनी तरफ खींचना है और फिर वापस रिलीज करना है और फिर नीचे, फिर आपको अपने पैरों को उठाना है और पंजे को खींचना है 5 सेकंड तक और फिर इसको रिलीज करके नीचे। इन दोनों एक्सरसाइज को करने से फायदा ये होगा कि आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो है वो मजबूत होगी, जो जांग की बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, क्योंकि इसके की वीकनेस की वजह से आपको चलने फिरने में उठने बैठने में दिक्कत होती है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। ये भी एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार 20 बार शुरुआत में सिर्फ करिएगा और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हमको एक दुपट्टे की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास चादर है तो हम चादर से करके आपको बता दे रहे हैं। आपको इस तरीके से लेट जाना है और इस तरीके से ऐसे अपने घुटने के नीचे चादर को इस तरीके से फंसा लेना है और फिर अपने पैरों को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है और अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है और फिर इसको ढीला छोड़ देना है और फिर वापस नीचे। आपको पूरा नीचे नहीं करना है, बल्कि यहीं तक ही आपको रखना है और फिर ऊपर उठाना है, अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर ढीला छोड़ देना है, फिर वापस नीचे। फिर इसी प्रक्रिया को आपको दोनों पैरों में करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से फायदा ये होगा कि आपके जो है घुटने की मोबिलिटी बढ़ेगी, घुटना आपका लचीला होगा, साथ साथ में आपकी काफ मसल जो है इसमें स्ट्रेचिंग होगी, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी। इससे आपका जो शियाटिका का दर्द हो रहा है, जो पैरों में बहुत ज़्यादा जो है भारीपन लगता है, तो जब मसल्स आपकी रिलीज हो जाएगी तो इससे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपका पैर जो है वो हल्कापन भी महसूस होगा। तो इस एक्सरसाइज को आप सिर्फ 5 से 10 बार शुरुआत में करिएगा, धीरे धीरे आप 5-10 दिन के बाद इसका नंबर जो है 15 बार कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कुछ समय लगेगा, आप समय दीजिएगा, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। चौथी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें हम जो है इस तरीके से ऐसे लेट जाएंगे। कोशिश करिएगा कि आप तकिया जो है वो लगा लीजिएगा ताकि आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट सही रहे। इस तरीके से आपको पैर को रखना है, फिर आपको क्या करना है, एक पैर को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे, फिर ऊपर उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर और कूल्हे की मांसपेशियों में एक कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है, जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये मजबूत होंगी, जब ये मजबूत होंगी तो आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। और बहुत सारे लोग लहरा करके चलते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम जो है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है लहरा के चलने वाली, ये कूल्हे की मसल्स जो है जब बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है तो इसकी वजह से होता है। तो ये एक्सरसाइज आप सिर्फ 10 से 15 बार शुरुआत में करिएगा, धीरे धीरे इसका नंबर आप बढ़ाते हुए चले जाइएगा और दोनों पैरों में आपको करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम इस तरीके से ऐसे पेट के बल लेट जाएंगे, फिर अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे, जहां तक आपका पैर जैसे यहां तक उठ रहा है तो यहीं तक आप उठाइएगा, बहुत ज्यादा आपको ऊपर नहीं उठाना है और जबरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहां तक उठ रहा है यहीं तक उठाइए और फिर आप नीचे रख दीजिए, फिर आपको दोनों पैर को इस तरीके से ऐसे करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से फायदा ये होगा कि आपके जो है कमर, कूल्हे और पैरों की जो पीछे वाली मांसपेशियां होती हैं, इनमें कॉन्ट्रेक्शन आएगा और ये मजबूत होंगी। ये भी एक्सरसाइज आप 10-10 बार दोनों पैरों में करिएगा शुरुआत में, धीरे धीरे इसका भी नंबर आप बढ़ाते हुए चले जाइएगा। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज। उसके लिए आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे सीधे लेट जाना है, अपने पैरों को मोड़ करके और इस तरीके से ऐसे अपने कमर को उठाना है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है जिनको भी कमर में, कूल्हे में, पैरों में कमजोरी रहती है और जिनको फालिस की दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी कमर भी काफ़ी वीक हो जाती है, तो इसकी वजह से होता क्या है, वो ठीक तरीके से चल फिर नहीं पाते। तो इस एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इस एक्सरसाइज को हमको क्या करना है, नेक्स्ट लेवल में ले करके चलना है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो है पंजे को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठा लेंगे और फिर अपनी कमर को उठाएंगे और फिर अपने पैरों को इस तरीके से ऐसे सीधा करेंगे और फिर अपने पैरों को अपने करीब लेकर के आएंगे। इस एक्सरसाइज को करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपकी कमर, कूल्हे और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपकी चाल बेहतर होगी। आप जब इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको चलने में एक कॉन्फिडेंट महसूस होगा। तो जो शुरुआत में हमने आपको तरीका ये बताया है, ये वाला तरीका आप 10 से 15 बार करिएगा और ये जो बताया है, जब आप थोड़ा थोड़ा चलने लगे, आपका थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होने लगे,
तो उसके बाद इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करने का प्रयास करिएगा, जबरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अगली एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें हम इस तरीके से बैठ जाएंगे, फिर अपने एक पैर को ऊपर आपको उठाना है और फिर धीरे से आपको दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, आपको जल्दी जल्दी नहीं करनी है बल्कि बहुत ही आराम आराम से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। इससे क्या होगा कि आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जांघ की मसल्स, आपकी बाहर की मसल्स, अंदर की मसल्स सारी जो है एक्टिवेट हो रही हैं, इनमें कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है और ये जो है मजबूत होंगी। इस एक्सरसाइज को आपको दोनों पैरों की करनी है इस तरीके से, और आपको सिर्फ 10 से 15 बार ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, और अगर दिन में आप दो बार करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात। जो भी एक्सरसाइज हमने आपको बताई है, ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपके पैरों में जान आएगी और आपको चलने में आपकी चाल जो है वो बेहतर होगी। जब आपकी थोड़ा थोड़ा आपके पैरों में जान महसूस होने लगे, उसके बाद आपको करना ये है कि आधा किलो का अपने पैर में इस तरीके से ऐसे वेट बांध लेना है। ये वेट कप जो है बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, यह हम टैग भी कर दे रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे टच करेंगे तो यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको वेट कप कहते हैं, हमारे पास 1 kg का है तो हम 1 kg से बता दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत में आपको आधा किलो से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको करना ये है कि अपने एक पैर को इस तरीके से ऐसे उठाना है, अपने पंजे को खींचना है और फिर पंजे को ढीला छोड़ के और नीचे। ध्यान रखिएगा कि आपका पॉस्चर जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी आपकी स्पाइन होनी चाहिए, इस तरीके से बैठिएगा और अपने एक पैर को उठाना है और खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे रख देना है। इसी तरीके से आपको दोनों पैरों की करनी है। ये एक्सरसाइज पैरों के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करिएगा। अगर आप ये वेट कप नहीं खरीद सकते हैं तो कोई एक थैली बना लीजिएगा आधा किलो की, कोई बालू, मिट्टी या नमक भी आप अपने पैरों में बांध सकते हैं। तो जो भी हमने आपको एक्सरसाइज बताई है, इन एक्सरसाइज को आप ज़रूर करिएगा और नियमित तौर पर करिएगा। अगर आप डेली रूटीन में ऐड करते हैं दवाई समझ के, तो आप जो है अपने पैरों में एक नई जान महसूस करेंगे, और अगर आप चल नहीं पाते हैं तो आप चलने फिरने के जो है किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। और इसके साथ साथ में एक बात आपको और ध्यान रखना है कि आपको अपने चप्पल और जूते या जो भी चीज़ आप पहनते हैं उसका ज़रूर ध्यान रखिए कि वो नीचे से घिसा ना हो, आपके पैरों में वो ठीक तरीके से आ रहा हो, वो सही साइज़ का हो, क्योंकि इसके भी गड़बड़ होने की वजह से पैरों में जूते या चप्पल नीचे से घिस जाते हैं, इसकी वजह से भी पैरों में वीकनेस आ सकती है और दर्द भी आपको हो सकता है, तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दवाइयों के भरोसे आप ना रहिएगा कि ये दवाई हमारी ठीक कर देगी, बल्कि आप दवाओं के साथ साथ में इन एक्सरसाइजेस को आप ज़रूर करिएगा। आपको अगर आराम नहीं मिलता है तो आप लोकल फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करिएगा। और अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, कूल्हे में कमजोरी रहती है, तो क्या चीज़ आपको ज़रूर खाना चाहिए और किन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए, तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।